कैसा फैसला शादी का से उसामा से कोई नई असाइनमेंट आई ऑफिस में पे? नहीं जिंदगी में एक नई असाइनमेंट ले लिया मैं समझी नहीं मेरी शादी हो रही है बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कश्यप की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला ना हो देखिए आंटी मैं आपसे वादा करता हूं कि कश्यप को कभी भी मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा इंसिस्ट नहीं करूंगा लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो उसकी बात सुन लो मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूं कब तुम्हें पसंद किया कब तुम्हें चाहने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकमल लगने लगी मुझे नहीं पता ओ क्या कर रहे हो यार आई एम सॉरी आखिर हुआ क्या सर अब्र के घर पर कि तुम ऐसे मान गई कुछ भी नहीं हुआ उसने कुछ नहीं कहा कुछ पूछा नहीं बस चंद बातें हुई और बस ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी बातचीत के बगैर तुम मान जाओ कैसे जहन बदल गया तुम्हारा ऐसा क्या खास था उन चंद बातों में चाय का कप जारुन मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो मंगनी हुई है मंगनी टूट भी सकती है मेरी बात का गलत मतलब मत लो जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड अब तुम खुद सोचो उनका अपना घर भी नहीं है और जिस घर में वो रहते हैं कराये के मकान में वहां तुम जा सकोगे मा, उस माहौल में तुम एडजस्ट कर सकोगे अब फिक्र ना करें आप देखिएगा आप भी उसे बहुत खुश होंगे वेली नाइस गर्ल ट्रस्ट मी बात करूं आप करें मैं सुन रही हूं आप आप किसे कह रही हो अम्मी ने कहा था उन्हें मेरा तुम्हें तुम कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन मेरे लिए तुम्हारा तुम ही कहना ठीक है आप डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है यार मुझे भी आप नहीं कहना बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम कौन मैं तो और किसकी बात कह रहा हूं मैं अच्छा अच्छा क्या पता नहीं तो पता होना चाहिए तुम मुझे लगता हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए ज्यादा बेहतर रहेगा कौन सा झूठ जूट? ये झूठी तारीफें वगैरह झूठी तारीफ है मैंने तो कोई झूठी तारीफ नहीं की जो दिल में आया वही कह दी आप लोग ठीक से पहुंच गए थे घर ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें सिद्रा ने पूछा था तो सिद्रा ने पूछा था ना तुमने तो नहीं ऐसे तुमने आज चांद देखा कितना खूबसूरत लग रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा कोशिश करो और से देखो शायद तुम्हें नजर ही आ जाए यहां तो पूरा निकला हुआ चलो अब ये नया काम डाल दिया मुझ पर अब मैं सारी रात चांद करूंगी इसके पास कितना फालतू वक्त है? पता नहीं फॉरेन ऑफिस वाले इसको कोई काम क्यों नहीं देते नजर आया हाँ, ना खूबसूरत गोल है, गोल है। चौधरी का चांद है चकोर थोड़ी होना है उसने। चौधरी के चांद से नजर हटाना बड़ा मुश्किल होता है कितना खूबसूरत होता है कुछ इस तरह की सारी चीजें अच्छी लगती है चांद तारे रात फूल ये लड़कियों से इस तरह की बातें करता होगा चांद तारों के किस्से सुनाता होगा चांद तारों की खूबसूरती के किस्से सुनाते सुनाते उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगता होगा नादिया ने क्या बताया था उसके बारे में एक दफा हेलो हाँ हम्म क्या हूँ कुछ कहोगे नहीं चांद के बारे में चलो चांद के बारे में कह दो रोज निकलता है हाँ हर रोज निकलता है लेकिन हर रोज इतना खूबसूरत नहीं होता एक बात बताओ तुम इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है किन चीजों में नेचर में नहीं ज्यादा तो नहीं पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगेन क्लास फेलो पसंद की शादी है वाह जाहिर, जब इतनी आजादी मिलेगी कि वो लड़कों के साथ अकेली पड़े तो फिर तो यही होगा लड़के की पसंद थी कश्यप तो मान ही नहीं रही थी बड़ी मुश्किल से मानी है मुझे राफिया ने, ने तो पर्दे डालने अपनी बेटियों की हरकतों पर अरे हमेशा से उसकी आदत है मेरी बेटियां बड़ी आदतमंद है पसंद नहीं थी तो फिर रिश्ता कैसे हुआ अच्छा चलो अगर कश्य की भी पसंद थी तो इसमें बुराई क्या है अच्छे लोग हैं कशफ से मोहब्बत करते हैं खानदानी लोग हैं इज्जतदार लोग हैं बहुत अमीर हैं अल्लाह मेरी सारी बेटियों की शादियां बहुत अच्छे खानदानों में हुई हैं सारी बेटियां मुर्तजा साहब सिर्फ तीन बेटियों की शादी हुई है और आपकी पांच बेटियां हैं हमारी दो का ना गिनना अभी उनकी जिम्मेदारी भी है इन मिल जाएंगे उनके लिए भी अच्छे घर ही मिलेंगे ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना मैं आपको साफ बता रही हूं मुझे भी उतने ही बड़े घरों में शादियां करानी है अपनी बेटियों की जितनी राफिया की बेटियों की हुई है मेरे दामाद राफिया की दामादों से कम नहीं होंगे हर किस दुआ करो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा खुद कुछ ना करना परसेंट की शादी चाय तो ला दो मुझे मुझे नींद आ रही फैमिली को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बट ने प्लेजर ऑफ मीटिंग द गर्ल लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे लोग हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी आंटी ये दारू नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं पर मैंने कहवाया आता होगा आंटी वैसे इसके कराची के चक्कर कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए आई I मीन mean, या तो इसका जॉब पर दिल नहीं लग रहा या फिर कोई और ही चक्कर है तुम्हें जारून ने बताया नहीं क्या तुम्हारे दोस्त की हमने मंगनी कर दी है Are you क्या हाल है भाई तुम तो बताई बगैर आगे हाँ मैं तो बतैर बताए आयो तुमने तो कोई बड़े बड़े काम कर दिए बगैर बताए मुझे तुम दोनों बैठ कर लड़ो मैं चाय भिजवाती हूँ आई हैव टू बाय बैठो ब बैठ तो मैं जाऊंगा पहले तो मेरे सवाल का जवाब तो दो क्या तुमने एंगेजमेंट करवा है कहीं पे? करवा ली है और जहां करवाई है तुम्हें पता लग जाए ना तो तुम्हारे पसीने छूट देंगे क्यों अब तुम कहोगे कश्यम मुर्जा के साथ करवा ली है ले, जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो क्या वाकई में तुम्हारी कश्यम मुर्जा के साथ करवाई है हाँ ने बताया होगा तुम्हें मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ <laughs> मैं तुम्हारे तो से मजाक क्यों करूंगा यार बाकी में मेरी उस हो है। लेकिन तुमने पहले कभी मेरे साथ आई मीन यू नेवर शोड इंटरेस्ट तो ये ऑल ऑफ अ सडन कहां से ख्याल आ गया तुम्हें well, हो गया। कर ली मैंने मांगनी जल्दी से चाय लेके आओ ओ, बताओ क्या चल रहा है that's coming along fine. This is a shock. अब तुम अपने घर की होने वाली हो जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी क्यों जिंदगी क्यों बदलने वाली है क्यों तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा बदल तो जाएगी लेकिन इतना नहीं कि तुम इसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाओ अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें परेशान थोड़ा ही करना चाह रही हूँ मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी हाँ लेकिन जिंदगी में मैंने जिम्मेदारी उठाने के अलावा किया क्या है लेकिन उस जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी में जमीन आसमान का फर्क है बेटा शादी के बाद जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है तो आपको क्या लगता है मैं नहीं उठा पाऊंगी नहीं मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से उठा पाओगी ऐसी कोई बात नहीं है असल में मैं बहुत मम्मी। खास तौर पर इस बात पे कि मेरे और जारून के मिजाज में कुछ ज्यादा ही फर्क है वो एक अलग किस्म का आदमी है मेरे और उसके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है और इतने फर्क के साथ हम इकट्ठे जिंदगी कैसे गुजारेंगे ये सोच मुझे बहुत परेशान करती है मियाँ बीवी का मिजाज अगर एक जैसा भी हो बेटा तब भी शादी के बाद बहुत अरसा लगता है एक दूसरे को समझने में और वैसे भी शादी एक जैसे मिजाज से नहीं चलती बेटा शादी तो चलती है समझदारी से और लचक पैदा करने से कॉम्प्रोमाइज करने से जानती हूं और ये भी जानती हूं कि कॉम्प्रोमाइज की दवाको माशा सिर्फ औरत से करता है और हर मामले में सिर्फ ये चाहता है कि औरत झुके लेकिन बेटा जिद पर अड़े ना रहना लचक पैदा करना समझदारी है बेवकूफी तो नहीं लेकिन मैं आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती आपकी तरह झुक नहीं सकती मैं अल्लाह करे बेटा कि तुम्हें मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे बेटा मेरे ऑप्शंस तो महदूद थे शायद आपने महदूद कर लिए थे मेरी जिंदगी के ऑप्शंस बेटा कुछ और थे मेरे पास ऑप्शंस को महदूद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं बेटा एक भरपूर कामयाब जिंदगी गुजारने का ऑप्शन एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारने का ऑप्शन एक बेहतरीन घर बनाने का ऑप्शन खुश रहने का ऑप्शन और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना मुझे मालूम है कि सारे कॉम्प्रोमाइज शायद तुम्हें ही करने हों और जारू ना करें लेकिन फिर भी बेटा कोशिश जरूर करना एक अच्छा घर और उसकी अहमियत को वो मुझसे ज्यादा नहीं जान सकता मैं मैंने सारी जिंदगी अपने आप को और आपको इस अच्छी जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा है और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इस तरह नहीं जीना चाहती जारून एक अच्छे खानदान का अच्छा लड़का है बेटा मुझे यकीन है कि उसमें बेशुमार खूबियां होंगी और चंद खामियां भी होंगी लेकिन एक अच्छी बीवी होने के नाते बेटा हमेशा उसकी खूबियों पे नजर रखना ना कि उसकी खामियों पर और चाहे कुछ हो जाए बेटा इस रिश्ते को निभाना बहुत खूबसूरत लग रही है। पर जो जारून लग रहा है ना मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती बहुत कंपटीशन देगा वो तुम्हें स्टेज पे मजाक कर रही हूँ तुम भी किसी मॉडल से कम नहीं हो hello assalamualaikum waalaikumsalam funny. है मेरा ख्याल है यही है कहा जमीन पर ओ ओ ओ थैंक यू काफी अन सा स्टार्ट हो गया एक रोमांटिक नाइट का है ना यहाँ है ओह सॉरी इससे पहले मैं ये फिर से घुमा दूं बेहतर तरह के तुम पहन लो हाँ यू वॉन्ट लूज इट राइट So let's do his part. Shukriya. My pleasure. Now, can you there. तो ये शर्मानी है जो तीन कुछ कहोगी शुक्रिया क्या उल्टे सवाल कर रहा है ये तारीफ करूंगा तो ये झूठा समझेगी और नहीं करूंगा तो आई एम सॉरी बहुत फजूल बातें कर रहा हूं मैं कैसा समझाऊ बस पता है जब मैं सोचा करता था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं ये कहूंगा वो कहूंगा आज जब तुम मेरे सामने बैठी हो तो रियली डोंट नो व्हाट टू से लेकिन जिन सब कुछ कहना ही है तो मैं तुम्हारी तारीफ कर देता हूं You know, you very अब मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा कि तुम तो मेरे सामने बैठी हुई हो तो बाकी में बहुत खूबसूरत लग रही हो होली तौर पर इसे शर्माना या मुस्कुराना चाहिए शायद यकीन नहीं आया अभी एक जुमला बोलकर बैठ गया है यूनिवर्सिटी में तो बड़ी जबान चलती थी इसकी सारे मर्द इस तरह के होते हैं गर्लफ्रेंड की जितनी मर्जी तारीफें करवा लो बीवी की तारीफ करते हैं तो जान जाती है ज़्यादा तारीफ की तो ये सर पे चढ़ जाएगी और तो कुछ तारीफ ना करूं तो क्या कहूं से को वादा करो इसको यकीनन अपनी कोई गर्लफ्रेंड याद आ रही होगी इस वक्त गर्लफ्रेंड नहीं मेरा ख्याल तो मुझ मैं वादा really करता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा अब गुंगों की तरह सर क्यों ला रही है को कुछ तो कहना चाहिए तुम कुछ कहते क्यों नहीं तुम मैं सुन नहीं हां लेकिन मैं भी तो कुछ सुनना चाहता हूं सुना तो मैं तुम्हें खासा चुकी हूं हम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती है मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ पहुंची थी सॉरी बात आकर मुझे पता है मैंने तुमसे पहले भी यह बात की है और मैं फिर से कह रहा हूं लेकिन रीजन इज बिकॉज आई एम ट्रूली सॉरी पहली अच्छी बात है जो तुमने कही है। पता है मुझे तुम्हारी बहुत सी क्वालिटीज पसंद हैं जिसकी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया माना कि मुश्किल फैसला था लेकिन मुझे लगता है जो फैसला मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है इसको ऐसी बातें करते तो मैंने कभी नहीं सोचा इतना भी इडियट नहीं है जितना मैं समझती हूँ उसे ओके नो कितना अजीब लगता है ना लड़कियों से बात करना मुश्किल कैसी लड़की से जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो जिंदगी में पहली दफा सोच कर बात करते हुए देख रही हूँ <laughs> यकीन नहीं आ रहा लेकिन चलो अगर ये सोचने समझने लग गया है तो बुरी क्वालिटी तो नहीं है खामोशी की भी एक जुबान होती है ओ oh, एक सेकेंड आई नोस इज ए बेट चीज लेकिन दिल कह रहा था शुक्रिया नो वेलकम चलो तुम प्लीज कोई तो बात करो आई मीन आई डोंट मीन टू फोर्स यू लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम बात करो ताकि हमारे दरमियान को पुरानी बातें ना रह जाए मेरे लिए भी तुमसे शादी करना मुश्किल फैसला था और मुझे नहीं पता कि मैं किस हद हाँ तक तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकती हूँ लेकिन मेरे लिए रिश्ता अहम है मुकद्दस है और रिश्ते निभाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी रोजेज रिंग अगर बोला ना करे तो कितनी अच्छी लगती है और इतनी ऑर्डिनरी लुकिंग नहीं है जितनी मैं सोचा करता था nice तो मेकअप अच्छा किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट फॉर यूज वेरी ब्यूटिफुल मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल पूरा नहीं उतरूंगा आई विलूव यू रॉन्ग और ये जो तुम्हें इतनी एमोशनल रहती हो ना दिनों में ये बातें भी बदल दूंगा तुम्हारे बारे में अच्छा। yeah. yeah. okay. कश्यप सिर्फ फ्रूट ही खाओगी ऑमलेट ले लो मैं लेती नहीं शुक्रिया जहन तो आया ही नहीं कल हाँ मैंने भी नोटिस किया था लेकिन तुमसे उस वक्त कहा नहीं तुम लोग कब तक यार कल के मेहमानों को डिस्कस करते रहोगे तुम कश्यप से भी बात करो हम्म कश्यप आपसे कोई बात नहीं किया करेगी सिर्फ मेरी सुना करेगी है ना <laughs> 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 बहुत अकल फैसला है भाई बेवकूफों से बात करने से तो परहेज करनी चाहिए ना रियली oh, really? तुम पहले बता देती मैं तुम्हारे साथ इतना सारा टाइम ना जाया करता बेवकूफों की एक और निशानी यह होती है कि वो अपने आप को बहुत समझते हैं। you about तुम मेरी कोई निशानी बताओ कश्यप इन दोनों की गुफ्तु इसी किस्म की होती है तुम उसमें ज्यादा गौर मत करना कश्यप तुमने लीव कितनी ली है आ, जी, दो हफ्तों की। सिर्फ दो हफ्ते तो बहुत कम है मेरी भी तो इतनी ही लीड है बस जॉब करने वालों की ही मुश्किल होती है काम छुट्टी नौकरी अपना बिजनेस हो तो इंसान को यह नहीं सोचना पड़ता कि जी छुट्टी होगी तो हम हॉलिडे पे जाएंगे चलें ठीक है रिटायरमेंट के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा और माइंड जो शायद जितना वक्त ना मिलेगा मैं अपनी बीवी के साथ गुजार सकूं <laughs> वैसे तुम घूमने तो जाओगे ना अभी सोचा नहीं है वैसे मेरा ख्याल है अभी भी छुट्टी बढ़वा लो तुम दोनों दो हफ्ते बहुत कम होते हैं भाई तुम लोग अपनी बातों में इतने नए फैमिली को भूल हो उसको खाने के लिए तो कुछ पूछो कुछ तो ले लो ना अंदर ले लो दो ये, लो, ये, लो। फ्राइड दो। तो ये है जिंदगी हैरान कौन अनप्रिडिक्टेबल अजीब जगह पर लाकर खड़ी कर देने वाली सब कुछ ठीक है पर एक बात की समझ नहीं आती हम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते ये है। तुमने कुछ कहा तुमसे मुझको नहीं तो लेकिन अभी तो तुमने कहा अजीब है क्या तो मैं तुम्हें तो अभी भी अजीब लगता हूँ मैं किसी और को अजीब कह रही हूँ किसको जिंदगी को जिंदगी अजीब तो नहीं होती अच्छा फिर क्या होती है जिंदगी तो गुलजार है अच्छा जिंदगी गुलजार है मेरे लिए तो है फिलहाल तो हाँ जैसे जिंदगी तुम गुजारते हुए आ रहे हो वो तो गुलजार है लेकिन मैंने जैसे जिंदगी गुज़ारी है उसमें खारी-खार है तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ कॉलेज में क्या किया था जब मैंने तुम्हें अगली सीट पे आके बैठने को कहा था तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की खैर इतनी भी बेइज्जती नहीं इतनी तुमने मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी तो पता है पूरी रात ही सो पाया था मैं किसी लड़की के हाथ पहली बेइज्जती थी मेरी खैर पहली तो नहीं होगी झूठ कितना बोलता है क्या था अगर आगे आके बैठ जाए अगर तब आगे बैठ जाती तो अब आगे ना बैठी होती डिगी खोल देंगे और सामान निकालना आते हुए किसने रखा था सामान मुलाजिम ने और अब निकालेगा कौन मेरी मम्मी के घर मुलाजिम नहीं होते अच्छा तो सही है आपके पास मुलाजिम होंगे Alaykum, जीते रो बेटा, जीते बेटा इतनी देर लगा दी। मैं कम से इंतजार कर रही थी कितनी दफा मैं गई हूँ दरवाजे पर आवा अरे बेटा पकड़ो ना बैग इसको अरे तुम यहाँ आओ ना मेरे पास बैठो चले, so sorry आपको इंतजार करना पड़ा बस निकलते निकलते देर होगी नहीं नहीं कोई बात नहीं बस आ गए तो बहुत अच्छा किया आपकी बेटी तैयारी में बहुत टाइम लगाती है

कशर तुम भी आओ नहीं हाँ हाँ ये पानी नहीं आ रहा पानी खत्म हो गया मैं बाल्टी से जाती हूँ जल्दी करो ओह आराम से आराम से आराम से आराम से और हाँ। क्या रोमांस हो रहा है यहाँ पे जी नहीं कुछ नहीं हो रहा सही बात है कश्यप और रोमांसा अरे जारून बेटा कुछ और लोन है, क्यों तक कर रहे हो तुम्हारा अपना घर है शनिरा <laughs> तो नहीं। नहीं, नहीं, शादी की पिक्चर और वीडियो कब आएंगी हफ्ता एक तो लग जाएगा जल्दी भी आई तो ओके शनीरा जाओ देखो तुम्हारे अबू और जी। मैं देखता हूँ नहीं नहीं जा रही है शनी अरे नहीं मैं देखता हूँ मैं हूं ना माशाल्लाह माशाल्लाह माँ बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की हजारों उनकी है, जारून की। है ना सलाम अलैकुम कैसे हो बेटा शनीला बेटा अब और भाई के लिए चाय लेकर आओ जी ठीक ठाक पहुंच गए बेटा कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में नहीं है खैर से पहुंच गए। हमाद हमाद जाओ बेटा बहन बुला रही है आपने बुलाया मुझे जी क्यों जारून भाई आए हैं और तुम उनके सामने कोई भी बकवास नहीं करोगे समझ आ रही है मैं क्यों कोई बकवास करने लगा उनके सामने कोई अपना पुराना किस्सा निकाल के ना बैठ जाना और ना ही अपने बारे में डिंगे मारने की जरूरत है मैं चाहती हूँ जारून भाई तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा इंप्रेशन भाई बहुत बड़े खानदान से है ना तो उनके सामने तो मैं अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए बस यही कहना था आपसे कोई भी बकवास करने से पहले दस बार सोचेगा फिर बोलेगा अब आप जा सकते हैं इतना सोचूं इससे पहले तो चले जाएंगे बेवकूफ जरूर भाई आप कितने मुल्क घूमकर आए कितने मुल्क काफी ज्यादा मसलन कितने पंद्रह बीस फिर चुका हूंगा मैं इतने सारे मुल्क फिर तो आपने आधी दुनिया देख ली लेकिन तरुण का एक बात बताएं आधी दुनिया तो आप पहले ही देख चुके तो फिर ये फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का शौक क्यों उठा आपको वीजे तो आपके पहले ही लग जाते थे बस यार शौक है है तुम सुनो क्या कर रहे हो आजकल मैं तो मास्टर्स कर रहा हूँ मास्टर्स वंडरफुल यार किस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स अच्छा रियली गुड सब्जेक्ट जी वैसे जारुन भाई आपको पता है जब आपकी पोस्टिंग बाहर होगी ना तो मैं बाहर आपके साथ आके रहूंगा हाँ हाँ जरूर एनी टाइम लेकिन मैंने सुना है कि वीजे का मसला होता है आप मेरा वीजा लगवा देंगे ना वीजा कोई प्रॉब्लम नहीं होता लग जाता है बड़े आराम से अल्लाह हो लो भाई अजान हो गई चलो बेटा नमाज ही पढ़ा नमाज चाहो तो घर पर ही पढ़ लो बेटा मस्जिद में तो फिर इमाम के पीछे पढ़ लूंगा लेकिन घर पे क्या करूंगा नहीं मैं मस्जिद नहीं पढ़ लूंगा चले चल चलो आ जाओ पता नहीं नाक में पहले पानी डालते हैं कुल्ली करते हैं या चेहरा पहले धोते हैं रह जाए आज मेरी पहले आप कैसे कर लेना भाई नहीं नहीं पहले तुम कर लो फिर मैं कर लेता हूं नहीं नहीं पहले आप नहीं यार पहले तुम कर लो ना नहीं बेटा आप बड़े हो छोटा है पहले आप करोगे आप अच्छा जी खुदा खुदाफिजाफिजुदाफिज खुदाफिजाफुदाफिज